मर्डर की खबरें तो आपने अक्सर देखी होंगी, लेकिन हम आपको जिस मर्डर की खबर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, वो भी लाइव मर्डर। तो दिल थाम के देखिए और सुनिए भी किस तरह से एक बुरखा नसीब महिला ने दूसरी महिला की पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी। हैरान करने वाली घटना उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के हरतला कॉलोनी की है, जहां एक महिला ने दूसरी महिला की पिस्टल से चार गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार सबनम नाम की आरोपी महिला का पति, जिसका नाम जफर बताया जा रहा है, वह दूसरी महिला के साथ रह रहा था। जब सबीना को इस बात का पता चला तो सबीना का मृतक महिला आलिया से झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि सबाना ने दिन दहाड़े आलिया की उसके घर के आगे चार गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया। मेरा नाम मुस्कान है और मैं इनकी भतीजी लगती हूँ। हम लोग साथ में आ रहे थे दवाई लेकर, ये आगे अपने हस्बैंड से बात करती हुई आ रही थी। पहले तो जिसने गन शूटर सवाना ने मेरे मारने की कोशिश की, मेरे अंडर में वो जैसे आई तो उन्हें धक्का दे दिया, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, उठ नहीं पाई थी वो, और मेरे वो ज़्यादा मारने की कोशिश कर रही थी। इसी चक्कर में उनके दो हार्ड में और दो बैक साइड उसने गन चलाया, जिसमें उनकी डेथ हो चुकी थी। ये सात बज के कुछ मिनट्स की थी। दोनों में आपस में दोनों फर्स्ट सेकंड वाइफ थी। ये लगभग शाम को 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि हरतला थाना सिविल लाइन क्षेत्र में फायरिंग की सूचना है। मौके पे तुरंत पुलिस पहुंची तो वहां पर ये शबाना वाइफ ऑफ जाफिर, इसने एक महिला को पिस्टल से शूट किया था। वहीं से मौके से ही इसको गिरफ्तार किया गया। जो महिला जिसको शूट किया गया था उसको तुरंत जिला अस्पताल के लिए भेजा गया। जो अब तक जानकारी प्राप्त हुई है, इसमें जो महिला जिला अस्पताल जिसको शूट किया गया था उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसने ये पूछताछ में बताया है कि पिछले लगभग एक वर्ष पहले से पता चला कि इसका पति एक और महिला जिसकी इसने हत्या की है उसके साथ रह रहा है। और इस महिला, ये जो जिसकी हत्या हुई है, महिला इसे मोबाइल से कॉल करती थी और आपस में इनका वाद विवाद चलता था। इसके वजह से इनके आपस में बहुत द्वेष था। आज शाम को उसने वहाँ पे बाजार में इस महिला को देखा, वहीं पे देख के इसने मन में प्लान बनाया कि आज इसकी मुझे हत्या करनी है। ये घर पे, उसका पास में ही घर है, घर पे यह वापस गई। वहाँ से ये अपनी 9mm कंट्री मेड पिस्टल ले गए, उसी से इसने फायर किया, जिसमें पहला फायर इसका मिस हो गया, चला नहीं इसकी गोली। उसके बाद इसने चार गोलियां इसको मारी, जिससे दूसरी महिला की मृत्यु हुई। बाकी दूसरी महिला के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी और मृतक के बीच में क्या रिलेशन है? ये जो मृतक है, इस जो आरोपी का जो पति है, ये दूसरी इस महिला के साथ रहने लग गया था जो मृतक था, तो इसकी वजह से आपस में दोनों महिलाओं के बीच में रंजिश थी। जो पहली जो पत्नी है, इसने दूसरी महिला को गोली मारी है। ये सवतन कही जा सकती है क्या? ये बाकी इन्होंने शादी करी है या जो भी मार्शल स्टेटस है, ये अपडेट ले लिया जाएगा जो इनके पति से जब पूछताछ की जाएगी और अन्य लोगों जो इससे साक्षी हैं उनसे पूछताछ करके। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से आरोपी महिला सबीना आलिया को गोलियों से भून रही है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की और आरोपी महिला सबनम को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से शहादत अली की रिपोर्ट। वैद बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिर में
स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।